हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे, हमारा जो यंग जनरेशन है, लाइफ में जो प्रॉब्लम और चैलेंजेस आते हैं उनके साथ फाइट करना चाहिए, ना कि सुसाइड कर देना। लाइफ में प्रॉब्लम कभी एंड नहीं होता, वो एंडेमिक है। वो तब एंड होगा जब आदमी का लाइफ ही एंड हो जाएगा। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं है, और हमें कुछ राइट्स नहीं है कि हम हमारा फैमिली मेम्बर को हम उनको डार्कनेस में डाल के चले जाए, क्योंकि हम पूरा दुनिया के लिए एक आदमी है, बट हमारा फैमिली के लिए हम पूरी दुनिया है। हम इस केस स्टडी में बात करेंगे, आदमी सुसाइड से पहले क्या सोचता है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी फैक्टर क्या बोलता है इसके लिए, कौन से ग्रुप के ज़्यादा आदमी इसमें अफेक्टेड होते हैं, और अभी का जो सुसाइड केस है वो किस तरह ग्रो कर रहा है, और आदमी सुसाइड क्यों करता, सुसाइड से पहले उनका एटीट्यूड कैसा रहता है, और हम उनको कैसे बचा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखें, ताकि हमारा फैमिली मेंबर में अगर इस तरह कोई सिचुएशन में गुजर रहा है, ताकि हम उनको बचा सकते हैं। फर्स्ट, साइकोलॉजी फैक्टर इसके लिए क्या बोलता है, आदमी जब सुसाइड करते हैं उससे 30 सेकंड पहले साइकोलॉजी फैक्टर ये बोल रहा है, आदमी ये सोचता है कि शायद वो फिर से जिंदा हो जाए, ताकि उसका जिंदगी को फिर से जी सके एक नया तरीका से, बट उसका हाथ से ये कंट्रोल चला जाता है, तो सुसाइड डेथ ही उसके लिए एंड ही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से एवरी 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड करता है, 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड करता है, और हमारा इंडिया में अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो हिसाब से लास्ट 10 ईयर से 17.3% ग्रोथ किया है, और लास्ट ईयर में 800,000 सुसाइड केस आया है, और इसमें मिनिमम 15 से 39 ईयर्स का आदमी ही सुसाइड करते हैं। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं वर्ल्ड सुसाइड डिप्रेशन डे, ताकि बंदे लोग इससे अवेयरनेस आए और सुसाइड जैसा घिनौना हरकत ना करें। तो अब हम जानते हैं कि आदमी सुसाइड क्यों करता है। सुसाइड इसलिए वो करता है जब वो मेंटली डिप्रेशन में चला जाता है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेंटली वो डिस्टर्ब क्यों होता है, इसके लिए बहुत लॉट ऑफ फैक्टर है। अब कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में बताता हूँ। ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, और प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक अपॉर्चुनिटी है, देखने का नजरिया है। तो जो वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है ज़्यादा बड़ा, हम सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। जैसे छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल बताता हूँ, जब प्रॉब्लम आता है हम क्या करते हैं, स्टेप लेने से पहले ही सोचते हैं अगर ये हो रहा है, हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा, ताकि ना कि हम ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस तरह कोई सोचते नहीं। अगर सोचेगा वो ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। सेकंड वन इज नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग में आदमी क्या करता है, उनको सारे चीज़ें पॉजिटिव होता ही रहेगा, तब भी वो नेगेटिव ही देखेगा। मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ, पानी, एक ग्लास में आधा पानी, दो आदमी देख रहा है, एक आदमी बोला उसमें आधा पानी है और दूसरा बोला ग्लास आधा खाली, दोनों का स्टेटमेंट मीनिंग वही है, ग्लास में आधा, बट ये पॉजिटिव के तरफ बोला है जो आधा पानी है जो उसके पास है देख रहा है, और जो ये जो बोला जो है वो नहीं देख रहा, जो नहीं है वो देख रहा है। मीन्स हमें, हमारे पास जो है हमें देखना चाहिए, और हम क्या करते हैं जो नहीं है उसके बारे में ही देखते हैं और नेगेटिव में चले जाते हैं। थर्ड वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोनलीनेस, सिंगल रहते हैं, किसी को सिंगल रहने में हम मजबूरी करते हैं, और कोई और आदमी सक्सेस पाने के लिए सिंगल रहता है। मान लीजिए स्टूडेंट को बोला जाएगा, पेरेंट्स सक्सेस के लिए और नेम फ्रेम के लिए इतना भागता है और फैमिली मेम्बर से दूर हो जाता है, तो बच्चे लोगों को भी केयर नहीं कर पाते, छोड़ देते, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में खराब हो गया, मार्क कम आ गया, या कोचिंग ले रहे थे कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए करने पर, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं खत्म हो गया, दी एंड, तो वो लाइफ को दी एंड करते, क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई है ही नहीं, तो सिंगल रहते हैं। जैसे आप सुने होंगे भी सुजय सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर दिया, वो सिंगल थे, अगर उनके साथ कोई फैमिली मेंबर रहता उनको ये काम करने रहते नहीं, तो किसी को सिंगल रखना नहीं। हम इतना ये रेस में, जो ये जिंदगी का रेस में हम इतना दौड़ते हैं नेम फ्रेम के लिए, हम अपने का ख्याल ही नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं गैजेट को लॉक करते हैं, चीज़ों को लव करते हैं, आदमी को इंसान को प्यार करते ही नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, एक 6 ईयर की लड़की थी, वो खेल रहा था, तो उसके साइड में उसका पापा
व्हीकल को साफ कर रहा था, कार को साफ कर रहा था, उसने उसमें जाके कुछ लिख दी। जब लिख दी पापा ने गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर उसका हाथ रख के डोर क्लोज कर दी, तो उसमें खून निकली। उसके बाद वो मेडिकल लेके ट्रीटमेंट करके लाया। उसके बाद फिर से वो जब कार साफ करने के लिए गया, देखा कि बेटी ने क्या लिखी थी। देखा कि वो लिखी थी कि माई फादर इज द बेस्ट। बोलते इन्होंने किए क्या, बेस्ट वाला बार किए क्या? गैजेट तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम गैजेट को बढ़िया सा रखते हैं और इंसान को तो छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट वन इज सक्सेस नहाना। सक्सेस मींस रीच पे नहीं, जो जैसे सोच रहा है, जिस रेस में वो भाग रहा है उसमें वो टॉप करना चाहता है। अगर टॉप नहीं कर पाता है, वो खुद के ऊपर भरोसा टूट देता है, वो सोचता है कि दूसरों के ऊपर बोझ है, तो सुसाइड कर देता है। चिचोरे मूवी ने आपने देखे होंगे कि उसमें वो उस मूवी का यही सीन है। सक्सेस मार्क लाना ये कोई ये सक्सेस नहीं है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह भी उसको लेंगे। हम सक्सेस पाने के लिए जो स्टेप ले रहे हैं वो मायने रखता है, सक्सेस मायना नहीं रखता। लेकिन सार का बात ये है, ये जो लेसन हमें सिखाए सिखाए थे वो ही आज ही दुनिया में नहीं रहे। और नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप में ब्रेकअप। आज का डेट में अगर आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे, सीक्रेट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप, आज का टाइम में रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप है ही नहीं। कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते, वो क्या होता है उसमें एंड में जाके रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। रिलेशनशिप ब्रेक होना इतना इजी नहीं है कि चलो ब्रेक हो गया सब नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट असर डालता है। तो क्या करता है, सुसाइड जैसा ही हरकत ही स्टेप ही करता है। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग ये जो मैंने पॉइंट्स बताया उसमें वो ज़्यादा सोच सोच के, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोच सोच के ही वो सुसाइड कर देते हैं। आइए जानते हैं सुसाइड से पहले उनका एटीट्यूड कैसा रहता है, ताकि हम उनको पहचान पाए और बचा सकें। पहले फर्स्ट वन, वो अपना रात में ठीक से सो नहीं पाएंगे, उनका सोने में गड़बड़ हो जाता है। वो रात में सोएंगे नहीं, दिन में चिड़चिड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बात में बहुत एग्रेसिव में हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, बंदा बहुत गुस्सा करता है, गुस्सा वो इसलिए नहीं करता है कि उसको गुस्सा आ रहा, वो इसलिए कर रहा है कि उसके अंदर में कुछ तो नेगेटिव चल रहा है। वो जाके वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस में दिखा रहा है वो गुस्सा करके। तो इस तरह सिचुएशन में हमें उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, ताकि हम उसको क्लामली हैंडल करना है। और उनका खाने पीने में टाइमिंग में चेंज होता है, वो खाएंगे भी नहीं, सिंगल रहेंगे, रूम पे खुद को बंद करके रखेंगे, खुद के ऊपर ट्रस्ट उठा देंगे। तो इस तरह का एक एटीट्यूड उनके अंदर बिल्ड होता है जब सुसाइड करने से पहले। तो आप उनको कैसे बचा सकते हो, बचाने के लिए सिंपल तरीका है, जो मैंने मेंटल डिस्टर्ब होने का जो रीजन बताया, उनको सब टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उनको लीव लेके कोई उनका अच्छा घुमाने प्लेस में घुमाने ले जाइए, उनको ये मेंटली उनको डालिए कि उनके साथ आप फिजिकली और मेंटली है, प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम के ऊपर वो सिंगल जूझ नहीं रहा है, उनके साथ आप है, ताकि वो प्रॉब्लम के जड़ों का पहुंच सके, वो प्रॉब्लम को आप सट आउट कर सको, ताकि वो माइंड से ओवर थिंकिंग और प्रॉब्लम के बारे में सोचे ही नहीं। तो उनको सब टाइम स्पेंड करो। जापनीज क्या बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जापनीज पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था, फिर भी जापानीज ने क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं लेते, वो तो भगवान बोलते हैं हमें प्रॉब्लम को फेस करने के लिए पावर दो, ना कि प्रॉब्लम मत दो। वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं सोचते, वो सोचते हैं हमें आज कुछ नया सीखने मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं। तो आज जापानीज आगे, जापानीज स्टूडेंट भी आगे, जापानीज कल्चर भी आगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को डरो मत, प्रॉब्लम को आप खुश हो, जितना डरोगे वो आपको उतना डरेगा। प्रॉब्लम क्या है, दुनिया में भी आप जितना डरोगे दुनिया वाले आपको उतना डराएगा। आप प्रॉब्लम को डराओ, दुनिया वाले को डराओ, ताकि आप जीत सकते हो आपसे, और जितना दूसरों से नहीं है, खुद से जितना है। रेस अगर आपको लगाना है तो खुद से लगाओ, आज मैं जो भी हूं उससे बेहतर कैसे बन सकता हूं।